हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेहतरीन से एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। अगर आप ये वीडियो केसीएल ट्यूटोरियल एप्लीकेशन में देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से फार्मेसी, जो आपका सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, और उसको हम एक नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए प्रोफेशन में, एक नए तरह के क्लासरूम के साथ। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 है, या ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, ये स्यूटिक्स में, ये किस में है, ये हमारा डी फार्म फर्स्ट ईयर में है, और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में 3 टॉपिक है। पहला है हिस्ट्री एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि भारत में फार्मेसी की शुरुआत कैसे हुई, भारत में फार्मेसी की स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी प्रोफेशन के बाद एजुकेशन रेगुलेशन के साथ हम लोग इसमें फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये 2-3 टॉपिक है और यूनिट नंबर 1 हमारा, चैप्टर नंबर 1 यहीं पर खत्म होगा। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मेसी जो प्रोफेशन है, ये शुरू कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। फार्मेसी प्रोफेशन की बात करें, बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि भारत में पहला फार्मेसी का स्कूल कौन खोला, किसने फार्मेसी की कोर्स स्टार्ट किया, किसने पहले डिप्लोमा शुरू किया, किसने बैचलर शुरू किया, किसने एम फार्मा शुरू किया, किसने पीएचडी शुरू किया, तो इसमें सबसे पायनियर है, सबसे अग्रणी है बनारस का बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहला जो बैच बी फार्मा कोर्स की शुरुआत, डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत बीएचयू से हुई, और धीरे 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 पूरे इंडिया में है, और आज तो बहुत डेवलप है। आप इतने स्कूल कॉलेज हैं हर गली मोहल्ले में, कि आप जहाँ देखें किसी गली में स्कूल एक फार्मेसी का खड़ा हुआ है। पढ़ाई हो ना हो अलग बात है, स्कूल लगातार तैनात होते जा रहे हैं। तो ये फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी फार्मेसी प्रोफेशन की, क्यों ज़रूरत पड़ी एक अलग से कोर्स बनाने की जो फार्मेसी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, तो इन सब की पूरी हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को, यानी जो आपकी फार्मेसी की पूरी हिस्ट्री है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आज़ादी से पहले फार्मेसी के बारे में क्या स्कोप था भारत में, और हम फिर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे आज़ादी के बाद 1947 के बाद, यानी 2 पार्ट में करके हम इसकी पूरी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसके पूरी हिस्ट्री को थोड़ी सी दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कुछ नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, और फिर इस पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस पूरे पोर्शन को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहानी की तरह सुनिएगा ये नोट्स, अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन कर चुके हैं तो ये नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, और आपको मैं एक बात बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सारा कोर्स, पूरे सब्जेक्ट, जितने भी 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट की लाइन से लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी पूरे चैप्टर वाइज लेक्चर, उनके पीडीएफ नोट्स आपको ऐसे ही, आप बस एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए केसीएल ट्यूटोरियल, गूगल प्ले से इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें डिफार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे साल भर का कोर्स वीडियो लेक्चर ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, नोट्स, टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सब कुछ आपको मिलेगा पूरे एक साल में, पूरे इस कोर्स में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले भारत में फार्मेसी की स्थिति क्या थी, इसको कहानी की तरह सुनिएगा और समझिएगा। नोट्स ऑलरेडी आपको दिया गया है, कहानी की तरह समझिएगा। सबसे पहले देखा जाए तो आज़ादी से पहले भारत में जो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो 1901 में शुरू हुई थी बंगाल में। सबसे पहले फार्मा की कंपनी 1901 में स्टार्ट हुई थी बंगाल में, जिसको स्टार्ट किया था प्रोफेसर या आचार्य पीसी रे ने। पीसी रे ने सबसे पहले, ये सबसे अग्रणी माने जाते हैं भारत में प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए फार्मेसी के, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ठीक है, बंगाल, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और ध्यान से इसका दिखाई दे। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। उसके बाद पहली कंपनी खुली भारत में, फिर दूसरी कंपनी खुली 1903 में, 2 साल बाद, जो कि प्रोफेसर टी के गज्जर ने, ठीक है, प्रोफेसर टी के गज्जर ने स्टार्ट किया था 1903।
ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में, याद करना बंगाल के बाद बॉम्बे में। ये सब क्वेश्चन तैयार रखेंगे तो एग्जिट एग्जाम, जीपैट एग्जाम जो लोग देते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद 1907 में एलेम्बिक, एलेम्बिक बहुत पुरानी कंपनी है और आज भी भारत में चल रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। एलेम्बिक कंपनी जो है वो 1907 में गुजरात में स्टार्ट हुआ था, बड़ौदा में। इसको भी शुरू किया था प्रोफेसर टी के गुज्जर ने, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1903 में, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और 1907 के बाद धीरे धीरे ये जो कंपनी का इतना बड़ा रोल था कि आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था विश्व में, वो कब शुरू हुआ था आपको पता होगा, ये 1914 से लेकर के 1920 तक चला था। और इस समय बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत घायल हुए, बहुत चोटिल हुए। तो उस समय जो हमारी ये एलेम्बिक कंपनी थी, जो 1907 में खोली थी, एलेम्बिक कंपनी टीके गुज्जर ने जो खोला था, वो कंपनी ने बहुत सारी दवा की सप्लाई की। यानी इस तरह से देखा जाए कि इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया और कुछ सालों बाद वर्ल्ड वार हो गया। इसको इस तरह समझिए कि किसी ने नई नई दुकान खोली थी मास्क और सैनिटाइजर की, बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही थी, अचानक से कोरोना आ गया, वो तो करोड़पति हो जाएगा क्योंकि वही की बिक्री हो रही है, बाकी सब बंद हो गया। तो सेम इनके साथ हुआ और इनकी कंपनी बहुत ग्रो की, और ग्रो करने के साथ इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सारे लोगों का इलाज किया, दवाएं की, और ये सब कुछ उन्होंने किया काफ़ी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक नुकसान भी हो गया, क्योंकि उन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई दवाओं की, लोग बहुत घायल थे, बीमार थे, चोटिल थे, दवाओं की डिमांड बढ़ गई। तो उस समय जो भारत में वैद्य लोग थे, बाबा जी लोगों थे, तो जो तो भाई ओरिजिनल थे, पढ़े लिखे लोग थे, वैद्य थे, वो अपने जड़ी बूटी भेजते थे, जड़ी बूटी विदेश जाती थी, उसकी दवा बनती थी, ठीक है। बाद में लोगों ने झाड़ फूक करके जो झूठो दवा, मतलब कुछ भी जड़ी बूटी ला के, पत्ती सुखा के, कुछ भी रगड़ पकड़ के दवाई के नाम पर बेचना शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए। और उस समय जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो बदनाम होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले फार्मेसी प्रोफेशन जो कि इस समय था 1914 तक, वो काफ़ी अच्छा होता था क्योंकि लोग सही दवा खाते थे, इलाज करते थे, सही होते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो वहाँ पे धांधली शुरू हो जाती है पैसे कमाने के लिए। और उस समय खूब जब नंबर दो का काम शुरू हो गया तो जितने भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे वो भारत से दवाइयाँ मंगा के डंप कर करके डुप्लीकेट माल बना के बेचना शुरू कर दिए, और बहुत सी दवाइयाँ ऐसे बनाने लगे जिससे जान लोगों की जान जाने लगी। अब एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था, यानी कि जब ये बैड वर्क शुरू हो गया, फार्मेसी बदनाम होने लगा, तो उस समय ज़रूरी था कि कुछ ऐसे कड़े नियम निकाले जाए जो फार्मेसी प्रोफेशन को भविष्य के लिए मजबूत बनाए, उसे बदनाम होने से बचाए। बस कहानी अगली यहीं से शुरू होती है। 1930 ईस्वी में भारत सरकार, उस समय यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया, 1930 ईस्वी में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की, जिसके हेड थे प्रोफेसर आर एन चोपड़ा, पूरा नाम था रामनाथ चोपड़ा, इनको इसका हेड बनाया गया। और इनसे कहा गया कि आप चेक करिए, पूरे भारत में आप स्टडी करिए और चेक करिए कि फार्मेसी के प्रोफेशन में ऐसे कौन कौन से नियम कानून बनाए जाए, ऐसे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ऐसे कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जाए कि लोग गलत काम ना कर सके। इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, इन्होंने अपने बच्चों को ले लिया, स्टूडेंट सारे को ले लिया और टीम पर काम करना शुरू कर दिया। और एग्जैक्टली एक साल के बाद 1931 ईस्वी में इन्होंने सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपने रिकमेंडेशन प्रस्तुत किए, सुझाव कि मेरा सुझाव यह है कि ऐसे ऐसे परिवर्तन कर दिया जाए कि फार्मेसी की पढ़ाई शुरू कर दी जाए, जिसमें केवल वही लोग पढ़ाई करें, वही लोग फार्मेसी का काम कर सके जो इसकी ट्रेनिंग लेते हों, जो इसकी पढ़ाई करते हों, जो डिप्लोमा किए हों, ठीक है। सभी लोगों को जो ये आज दवा बांटना शुरू कर देते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए, केवल पढ़े लिखे लोग ही आपका मेडिकल स्टोर खोल सके, जो फार्मेसी का काम कर सके, इनको ट्रेनिंग दी जाए दवा बनाने के लिए। तो इन्होंने एक पूरे ढेर सारे सुझाव दिए। उसके बाद जब इनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो उसमें एक और नाम आता है, महान नाम आता है, जिसको एमएल श्रॉफ कहते हैं। ये फार्मेसी, भारत में फार्मेसी में सबसे बड़ा नाम आज कोई है तो वो एमएल श्रॉफ है, ठीक है। पूरा नाम था महादेव लाल श्रॉफ। इन्होंने क्या किया, अब भाई महादेव है नाम इनका, तो महादेव की नगरी में थे, यानी बनारस में थे, बनारस में ये प्रोफेसर थे, बीएचयू में ये प्रोफेसर थे, और इन्होंने ही
इन्होंने ही बनारस में जब प्रोफेसर थे, इन्होंने जब रिकमेंडेशन पढ़ा आर एन चोपड़ा का, तो उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जो फार्मेसी के लोगों को मिला जुला के बनाया जाए, यानी जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई निर्णय लेना हो तो यही लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया 1935 ईस्वी में, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। उस समय आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था, तो इसलिए उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके, क्योंकि केवल यूपी तक सीमित तो था नहीं, ये बहुत बड़े लेवल तक सीमित था। अच्छा, यूपी तक सीमित क्यों रखा गया? क्योंकि ये BHU शुरू हुआ था, और BHU कहाँ है? बनारस में। बनारस कहाँ है? यूपी में। बाद में इसका नाम रखा गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, एक हम आगे, अब आगे कहानी बढ़ते। अब प्रोफेसर ML श्रॉफ ने एक संगठन बनाया 1939 में, 1935 में उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फिर 1939 में उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन बनाया। इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस संगठन का नाम था फार्मास्यूटिकल कांग्रेस 1940 में। और उसके बाद इन्होंने बाद में इसी के हिसाब से इन्होंने ड्रग बिल लाया, ड्रग बिल मतलब कि दवा के व्यापार में कौन जा सकता है, कौन बना सकता है, कौन बेच सकता है, ये सब करने के लिए इन्होंने ड्रग लाया। जिस ड्रग बिल को इन्होंने जो क्या किया 1939 में, 1937 में ये जो ड्रग बिल लेकर आए कौन, प्रोफेसर ML श्रॉफ, ये ड्रग बिल जब सरकार के सामने पास हुआ तो ये बाद में ड्रग एक्ट 1940 के नाम से इसका नाम रखा गया, ड्रग एक्ट 1940 में इस ड्रग एक्ट को शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया ड्रग एक्ट 1940। ठीक है, अब 1940 बाद में यही बन गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948, बाद में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम था DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, उन्होंने कुछ लेबोरेटरी की स्थापना की जहाँ पे असली दवाओं की टेस्टिंग हो सके, कि नकली दवाइयाँ नहीं है, उसको CDL था, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। यानी आप देख रहे हैं कि 1940-41 आते आते फार्मेसी प्रोफेशन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और 1945 में इन्होंने ड्रग एक्ट 1940 को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया कि जो भी भारत में अब दवाइयाँ बनेंगी, बिकेंगी, पढ़ाई लिखाई सब ड्रग एक्ट 1940 के आधार पर ही किया जाएगा। अब जो होता है उसी के आधार पर इन्होंने ड्रग एक्ट 1940 के बाद 1945 में भारत सरकार जो थी उस समय, वो जो सरकार थी, उन्होंने फार्मेसी बिल लाए। यानी अब देखिए यहाँ से फार्मेसी नाम शुरू हो रहा है, फार्मेसी बिल लाए 1945 में। उसके बाद 1946 में इंडियन फार्माकोपिया की स्थापना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंडियन फार्माकोपिया की नींव पड़ी। अब इंडियन फार्माकोपिया की नींव कैसी पड़ी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हो गया ये 1946 में, ठीक है, 1946 में। अब ये कैसे पड़ा, उससे पहले जब भी लोग दवाइयाँ बनाते थे, कुछ भी करते थे, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते थे। फार्माकोपिया क्या होती है? एक ऐसी किताब जिसमें सभी दवाओं के फार्मुलेशन, कैसे बनाना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, क्या इवेल्युएशन है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, वो स्टैंडर्ड है। तो लोगों ने क्या किया कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया को वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद से, ठीक है, लेकिन उसके बाद से 1945 के बाद लोगों को लगा कि बहुत सी ऐसी इंडियन मेडिसिन हैं जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सी दवाओं का इस्तेमाल भारत में किया जाता है जिसका जानकारी, जिसके बारे में लोगों को ब्रिटिश फार्माकोपिया में कोई भी डिटेल उसमें नहीं। तो उन्होंने अपना एक फार्माकोपिया शुरू किया, इंडियन फार्माकोपिया, जिसका मेन काम था कि ऐसी दवाओं को केवल लिखना है उसमें जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है, और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में है उसको इसमें मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में फार्माकोपिया बहुत डेवलप हुआ तो उसमें सारी मेडिसिन आ गई, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, उसके बाद 1937 में, दोस्तों 1937 में सबसे पहले कि एक पढ़ाई शुरू की जाए, 1937 में सबसे पहले पढ़ाई शुरू हुई जो बी फार्म के नाम से शुरू हुई, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। ये पढ़ाई कब शुरू हुई? 1937, आज़ादी के 10 साल पहले। लेकिन उस समय ये पढ़ाई जो थी वो ग्रेजुएशन की तरह, बाकी ग्रेजुएशन की तरह 3 साल की थी। ठीक है, 3 साल के लिए शुरू किया गया, और सबसे पहले BHU में शुरू किया गया, बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में सबसे पहले फार्मेसी की पढ़ाई शुरू हुई, बी फार्मा 3 साल का 1937 में। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें काम होती रही। अब हम थोड़ा सा प्रोफेसर ML श्रॉफ के बारे में जानेंगे डिटेल में। मैंने कहा ये फार्मेसी का सबसे बड़ा नाम है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है।
फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कहा जाता है प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ को। तो इनके बहुत सारे योगदान हैं, ये बीएचयू से थे, इन्होंने पढ़ाई शुरू की, इन्होंने बी फार्मा कोर्स स्टार्ट किया, डिप्लोमा शुरू किया, बाकी चीज़ें स्टार्ट की, इसलिए इनका बहुत रोल है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1902 ईस्वी में 6 मार्च 1902 ईस्वी के ये बिहार के दरभंगा में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद इन्होंने कोई फार्मास्यूटिकल एजुकेशन तो ग्रहण नहीं की थी, तो कोई फार्मेसी की पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने फार्मेसी के फील्ड में इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत सारे अनुभव इकट्ठा किए, और उसी अनुभव को समावेश करके उन्होंने बाद में फार्मेसी के कोर्सेज स्टार्ट किए, और 1932 में इन्होंने केमिस्ट्री का एक सिलेबस बीएससी स्टार्ट किया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी बी फार्मा से पहले भारत में बीएससी चलता था दो, ठीक है, जो किसके लिए था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के से सब्जेक्ट से, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा चेंज करके एक फार्मेसी का नया कोर्स ही लॉन्च कर दिया, जिसे हम लोग बी फार्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। फिर बाद में उन्होंने फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कई चीज़ें कोर्सेज यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने लॉन्च किया, और उन्होंने सबसे पहले बी फार्मा के बाद 1944 में 37 में बीएचयू ने शुरू किया था, फिर 1944 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पीयू ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरा ऐसा कॉलेज था बीएचयू के बाद जिन्होंने बी फार्मा का कोर्स स्टार्ट किया था, वो आगे बात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बाकी नोट्स आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 1940 में ध्यान समझिएगा, 1940 में, अब इसको समझिए, जो बच्चे, अब ध्यान से इसको समझिए, जो बच्चे सबसे पहले बैच में थे 1937 में, सबसे पहले बैच में थे, फर्स्ट बैच में थे बी फार्मा के, यानी वो भारत के पहले बच्चे थे जिन्होंने बी फार्मा किया था बीएचयू से। जैसे ही ये 3 साल बाद पढ़ाई करके पूरे हो गए, 1940 में आ गए, तो आज जो स्थिति है कि बच्चे 4 साल बी फार्मा करते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं आसपास कॉलेज से, प्राइवेट से एम फार्मा कर लेते हैं, तो उस समय ये सिचुएशन नहीं थी, नौकरी बहुत थी, लेकिन जो लोग और अच्छी पढ़ाई करना चाहते थे और हायर स्टडी करना चाहते थे, तो ये बैच कब निकला, ये बैच निकला 1940। तो 1940 में प्रोफेसर साहब को लगा, ML श्रॉफ को लगा कि ज़रूरी है कि इनकी पढ़ाई को और एडवांस करने के लिए इन्होंने एम फार्मा कोर्स की शुरुआत बनारस में ही की। ध्यान समझिएगा, बी फार्मा की शुरुआत 1937 में बीएचयू से हुई थी, और एम फार्मा की शुरुआत भी 1940 में बीएचयू से हुई थी, ये 3 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद 1943 में बिरला ब्रदर्स एंड चीफ केमिस्ट रिसर्च ऑफिसर में, यानी कि वहाँ से रिसर्च भी शुरू हो गया। 1943 में जब इन्होंने बीएचयू पास किया, तो एम फार्मा के बाद रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए बिरला ब्रदर्स एज द चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च ऑफिस शुरू हुआ, जहाँ पे लोग अपना रिसर्च करना शुरू होता है। कैसे कैसे देखिए, एक आगे चल रहा है, पीछे पीछे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने बी फार्मा किया, फिर उन्होंने एम फार्मा किया, फिर उन्होंने रिसर्च किया, और धीरे धीरे पीछे से कोर्स बनता चला गया, ठीक है। अब आज़ादी से पहले भारत में पहले केवल 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे बी फार्मा की पढ़ाई होती थी, वो तीनों के नाम, पहला 1937 में खुला था बीएचयू में बनारस में, दूसरा 1944 में स्टार्ट हुआ था आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और 1947 में LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, ये एक प्राइवेट कॉलेज था, बाकी दोनों सरकारी थे, ये एक प्राइवेट कॉलेज था, यानी सबसे पुराना प्राइवेट कॉलेज कौन है, तो वो है LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कहाँ है, अहमदाबाद में। तो ये 3 कॉलेजेस थे पहले आज़ादी के पहले। तो आपने देखा मोटा मोटा कि आज़ादी के पहले बी फार्मा शुरू हो गया, एम फार्मा शुरू हो गया, डिप्लोमा तो बाद में लॉन्च किया गया था, पढ़ाई फार्मेसी की शुरू हो गई, और दवाओं के बारे में, दवाओं के नियंत्रण के लिए, दवाओं के कारोबार पर नियंत्रण के लिए फार्मेसी बिल और ड्रग एक्ट 1940 ला दिया गया था। यहाँ तक तो आज़ादी के पहले हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज़ादी के बाद ऐसे कौन कौन से कानून बने। तो आज़ादी के बाद दोस्तों आपको पता है एक सबसे बड़ा परिवर्तन था, वो था 1948 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्यों लाना पड़ा? देखिए 1940 तक तो ड्रग एक्ट था, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, सरकार अंग्रेजों की थी, उन्होंने बहुत से ऐसे नियम कानून बनाए थे जिसमें उनके बिजनेस को फ़ायदा था, भारतीयों को फ़ायदा नहीं था। अभी भी ऐसी बहुत सी कमियां इस कानून में थी, ड्रग एक्ट 1940 में, कि जिसको सुधारने की जरूरत थी। जब 1947 में हमारी सरकार बनी, तो हमारे लोगों ने, हमारी सरकार के नुमाइंदों ने सोचा कि इस प्रोफेशन को और इम्प्रूव किया जाए, भारतीयों के हिसाब से और सुधारा जाए, तो उन्होंने 1948 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया, और वो आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रोफेशन फार्मेसी का बिना इसके नहीं चल सकता, ठीक है। तो 1948 में आया, उसके बाद 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई, जिसके हेड BN घोष थे। इनका मेन काम क्या था कि फार्माकोपिया, अभी तक जो फार्माकोपिया थी उसमें सिर्फ वही दवाइयाँ रखी गई थी जो इंडिया में थी, ब्रिटिश वाले फार्मेसी में नहीं थी। इन्होंने कहा भैया आप एक नई किताब बनाओ, इंडियन फार्माकोपिया। 1948 में एक टीम बनाई गई जिसके हेड थे BN घोष,
उनसे कहा गया एक ऐसी फार्माकोपिया बनाइए जिसमें सभी प्रकार की दवाओं के, सभी प्रकार की दवाएं जो हर जगह की इस्तेमाल होती है उसको भी मेंशन कीजिए, यानी फार्माकोपिया को बढ़ाया गया। अब फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी संगठन चाहिए था, ठीक है। अभी तक क्या था, इस फार्मेसी को कोई भी डिपार्टमेंट संभालता था। फिर 1949 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और भारत में पीसीआई की स्थापना हुई। पीसीआई आप जानते हैं, जिसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसके बिना आपको कॉलेज की मान्यता नहीं मिलेगी, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसकी शुरुआत एक साल बाद 1949 में हुई थी। यहाँ पर आप देखिए, फिर 1954 ईस्वी में क्या किया गया, कुछ कुछ स्टेट में जो है वहाँ पे देखा जाए तो कुछ एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया कि पढ़ाई कैसे करनी है बी फार्मा की। फिर 1954 में ड्रग एंड मेजेटिक रेमेडीज़ एक्ट आया। इसकी भी कहानी बहुत ज़ोरदार है कि पहले भारत में झाड़ फूक बहुत चलता था, किसी को मिर्गी आ रही है तो जूता सुखा दिया, किसी को चक्कर आ रहा है तो उसका झुटिया उपार के हाय हुल्ला करने लगे कि उसको चुड़ैल आ गई, उसको भूत आ गई तो उसको भभूति फेंक दो, तो कोई कहीं गया साधु के यहाँ खाना खाने तो झाड़ू बर्तन मंजवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें पहले होती थी। अब क्या होने लगा कि ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए, कि जादू टोना वाली से इलाज को रोकने के लिए 1954 ईस्वी में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया गया, ठीक है। ऐसे 1955 में मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया कि ऐसी दवाइयाँ जिसमें अल्कोहल पड़ता है उस पर कौन से नियम लगाए जाए, ठीक है। 1955 में DPCO आया, यानी किसी भी दवा का रेट आप कुछ भी नहीं बेच सकते, सरकार डिसाइड करेगी कि किस दवा का रेट कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी जब आप ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ तो शॉर्ट में आपको यहाँ पर मिलती। फिर 1978 में ड्रग पॉलिसी आई, 1986 में दूसरी ड्रग पॉलिसी आई, 1994 में तीसरी ड्रग पॉलिसी आई और 2002 में अभी अगली फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आई। इस सभी पॉलिसीज़ में दवाओं के बारे में, उसके एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में लगातार अपडेट करते जाते थे, ये हो गया, ठीक है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट किए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है फार्मेसी का, ये तो आज़ादी के पहले हो गया, आज़ादी के बाद भी हो गया। अब हम करंट देखते हैं तो करंट भैया इस समय फार्मेसी का प्रोफेशन सच मानिए तो बहुत बुरे हाल में है। पहले जो लोग बी फार्मा करके निकलते थे आज से 10 साल पहले, उनको 25-30 हज़ार की नौकरी मिलती थी। आज से 10 साल पहले 25 हज़ार रुपये भी मजाक नहीं थे, बहुत होते थे। प्रेजेंट टाइम स्थिति आप भी जानते हैं, कुछ ही लड़के होते हैं जो अच्छे कॉलेज से बी फार्मा कर पाते हैं। इतने सारे कुकुर मुत्ता की तरह कॉलेज खुल गए हैं प्राइवेट, आप वहाँ से निकलेंगे तो उस लड़के कोई 7,000 कोई 8,000 की नौकरी के लिए परेशान है। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो अच्छे से पढ़ाई कराता हो, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको प्लेसमेंट की गारंटी देता हो, जो आपको प्रिपेयर करता हो नौकरी के लिए। बस आपको 4 साल डिग्री देगा फिर आपको छोड़ देगा मार्केट में, घूमिए टहलिए। तो प्रोफेशन बहुत अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ कि फार्मेसी प्रोफेशन को बहुत अच्छा किया गया है। इसीलिए सरकार ने भी अभी जस्ट 2021-22 के सेशन से एग्जिट एग्जाम शुरू कर दिया है कि जो डिप्लोमा में जो बच्चे पास करके जा रहे हैं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको पहले एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है सरकार को कि बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज खुले हैं जहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी परख नहीं है, वो सिर्फ डिग्री चाहते हैं कि किसी तरह से लाइसेंस मिल जाए। तो ये एग्जिट एग्जाम अभी बी फार्मा वालों को नहीं देना है, लेकिन जिस हिसाब से कॉलेज खुल रहे हैं और जिस हिसाब से पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है, अगले आने 4-5 साल में गारंटीड है कि बी फार्मा वालों को भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को पार करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आज के समय में कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम है इंडिया में, कौन कौन सी पढ़ाई है जो फार्मेसी के लिए है, तो उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी है 2 साल का, बैचलर इन फार्मेसी है 4 साल का, एम फार्मा है 3 साल का, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी है ये भी 2 साल का है, MS फार्मेसी कहते हैं इसको, प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर फार्मेसी फॉर्म डी आ गया है जो आजकल डॉक्टर की प्रैक्टिस आपको सिखाता है, ये भी अलग अलग है 2 साल या 5 साल का है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं जो भारत में आजकल चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर इन फार्मेसी। बी फार्मा कर लिया, एम फार्मा कर लिया, अब आपसे लोग पूछते हैं सर जी नौकरी कहाँ करें, कौन सी नौकरी हम कर सकते हैं। तो दुनिया में सारे जो मैक्सिमम प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग कहते हैं कि भैया बी फार्मा कर लिया अब नौकरी क्या करना है, तो जो नौकरी मैक्सिमम समझ लीजिए कि 90% लड़के जाते हैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में वो जिस पोस्ट पे काम करते हैं उसे MR बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दर दर की धक्के खा रहे हैं, जो अच्छे कंपनी में मिल गए तो ठीक है, जो किसी अच्छी कंपनी में नहीं जा पाए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, कम सैलरी में काम कर रहे हैं, खून पसीना जला रहे हैं। दूसरा तरीका होता है 10% लोग करीब, आप मान के चलिए कि 5-6% लोग जाते हैं प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे दवा, यहाँ पे लोग जाना कम क्यों कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत है, मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन यहाँ पे मेहनत बहुत है, लेकिन यहाँ पैसे सुकून है, मतलब आपको घाम में धूप में नहीं दौड़ना है, बरसात में नहीं गाड़ी चलानी है, एक कमरे के अंदर रहना है, AC चलता रहे, काम करते रहना है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर ज़्यादा किया गया है, पैसा यहाँ भी कम है,
इसके पीछे किसी दिन मैं बनाऊंगा वीडियो कि क्यों यहाँ प्रोडक्शन में शोषण, क्यों प्रोडक्शन में के अंदर किस प्रकार का शोषण होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन में शोषण किया जाता है। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कि जो व्यक्ति प्रोडक्शन में अगर बी फार्मा करके गया है, तो बी फार्मा करके गया है तो वो उसको 18 महीने बाद उसका अप्रूवल होता है, अप्रूवल हो जाता है एज अ केमिस्ट अगर वो किसी बी फार्मा करके गया है। और अगर वो बीएससी करके काम करने गया है कंपनी में तो उसका 3 साल से 5 साल के बीच होता है अप्रूवल। अब ये अप्रूवल क्या चीज़ है, देखिए आप कॉलेज से पढ़ के निकले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है। कंपनी आपको जब 18 महीने ट्रेनिंग देती है तो सरकार आपको अप्रूवल देती है कि आप एक रजिस्टर्ड केमिस्ट हो गए, आप अप्रूव्ड केमिस्ट हो गए। अब अप्रूव्ड केमिस्ट की वैल्यू क्या है कि जो भी किसी कंपनी में दवा पास होती है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो जब तक एक अप्रूव्ड केमिस्ट उसमें साइन नहीं करेगा तब तक उस दवा को पास नहीं किया जा सकता। तो इस समय जैसे ही कोई बी फार्मा करेगा 18 महीने बाद उसका अप्रूवल हो जाएगा और उसकी सैलरी, जो सैलरी वो 15,000 में काम कर रहा है, 12,000 में काम कर रहा है, तुरंत 35,000-40,000 हो जाएगी क्योंकि उसके साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब आप कहेंगे यार कितना आसान काम है, प्रोडक्शन में 18 महीने मेहनत करो, थोड़ा संघर्ष करो, फिर नौकरी अच्छी, सैलरी बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। दिक्कत इस बात की है कि कोई भी कंपनी अपने जिस वर्कर को लगातार 1.5 साल तक 12,000 दे रही थी वो 1.5 साल के बाद क्यों 40,000 देगी। उसको लगता है यार काम तो पहले जितना करता तो काम अभी भी उतना ही करेगा, साइन करने का इसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी। तो कंपनी वाले इतना शोषण करते हैं आपका कि वो आपसे कहते हैं हमको छोड़ के मत जाना, हम तुम्हारा अप्रूवल करा देंगे, हम तुम्हारा अप्रूवल करा देंगे। ऐसे करते करते आपको 4 साल 5 साल 6 साल फंसाए रहते हैं और आप कंपनी छोड़ के जाते क्यों नहीं। आपको लगता है यार मेरा 18 महीने हो गया है, अब कहीं और जाएंगे तो साला फिर से शुरू से काम करेंगे, 2 साल तब अप्रूवल कराएगा, इसके पास रहेंगे तो अप्रूवल करा देगा, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा काम बढ़ जाएगा। और वो आपको इतना शोषण करेगा कि आपको 5-6 साल फंसा के रखेगा लेकिन आपका अप्रूवल नहीं कराएगा। बहुत कम बच्चे हैं आज के समय में जो प्रोडक्शन में नौकरी कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं लेकिन शायद है कि 10% का भी अप्रूवल हुआ हो, क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये बहुत सारे शोषण के तरीके हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा लोगों को 2 प्रोफेशन पता है केवल, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। मैं आज आपको कुछ और प्रोफेशन बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर इन फार्मेसी। पहला है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आप हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत शोषण है फार्मासिस्टों के साथ। प्रेजेंट सिनेरियो में 12-12 घंटे काम करा के 5-6 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं आपको, ठीक है। बाकी प्रोफेशन लिखा है कोर्स में तो पढ़िए, बाकी स्थिति बहुत ख़राब है। रिटेल फार्मासिस्ट, ये कुछ ठीक है, आप अपनी दुकान चलाइए, अच्छा खासा दुकान चलाइए, अगर दुकान अच्छी जगह पर दुकान चल रही है तो आप 50-60 हज़ार लाख रुपये महीने कमा सकते हैं, दुकान नहीं चल रही है तो फिर नील बटे सन्नाटा ही है। ड्रग इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप बी फार्मा करिए, 18 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए किसी कंपनी में और उसके बाद DI का फॉर्म भरिए, DI बन जाइए, तो ये इसमें कमाई वाला पैसा है, अधिकारी की पोस्ट है, अच्छा खासा वैल्यू है। अगला प्रोफेशन है एनालिटिकल केमिस्ट, किसी भी सरकारी लैब में टेस्टिंग जो लोग करते हैं उसमें आपकी नौकरी बहुत जुजबी नौकरी आती है, शायद 2-4 साल में 1-2 पोस्ट आती है और आती है किसको पता चलती है, भगवान जाने। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, मैंने बताया प्रोडक्शन में जो लोग दवाइयाँ बनाते हैं, दवा बनाने में हेल्प करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR, जो बताया थोड़ी पहले, जो ड्रग के बारे में कंपनियां भेजती हैं डॉक्टर्स को एडवाइस करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, जो एम फार्मा करने के बाद जाते हैं रिसर्च में, वो उसका भी एक प्रोफेशन है। अगला स्कोप मैं दिखा सकता हूँ, क्लिनिकल रिसर्च में एक नया प्रोफेशन आ गया है, बहुत से लोग फार्माकोविजिलेंस में काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप एम फार्मा अगर करके बैठे हैं किसी सब्जेक्ट से तो आप किसी कंपनी में जुड़ के क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पे ड्रग डिस्कवरी होती है उस फील्ड में काम करना, इसमें अच्छी सैलरी है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको अच्छी मिल जाएगी, वो डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको नॉलेज नंबर एक की होगी तभी आप इस कंपनी में नौकरी पाएंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब क्या है कि जो भी कंपनियाँ में एक फार्मेसी प्रोफेशन में एक नई पोस्ट लॉन्च की गई है, बड़े बड़े कंपनियों में होती, सब जगह नहीं होती, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसका मैनेजमेंट देखना, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी देखना, ये सब कंट्रोल करना। बाकी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये भी एक तरह का, जब से ऑनलाइन मेडिसिन का ज़माना बढ़ा है, ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी हैं, तो उसमें आजकल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जो पर्चियों को पढ़ के ट्रांसलेट करके उसको ड्रग को कन्वर्ट करना और कंपनी को बताना, ये एक ऑनलाइन जॉब एक तरह का है, ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन अच्छी नौकरी है। लोग अमेज़ॉन वगैरह पर काम कर रहे हैं, फार्मेसी के लिए काम कर रहे हैं, नेटमेट्स के लिए काम कर रहे हैं, घर बैठे ही वो 10-12 हज़ार महीना 15 हज़ार महीना कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत इसमें भी है। फार्मा पब्लिशिंग, जो किताब पब्लिश वगैरह कराते हैं। ड्रग रेगुलेटरी, इसमें जो सरकारी नौकरियां आती हैं। और एकेडमिक्स, सबसे आखिरी में, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, चलो किसी कॉलेज पढ़ा देते हैं, बी फार्मा किए हैं तो डिप्लोमा लोग पढ़ा देते हैं, एम फार्मा किए हैं तो बी फार्मा लोग पढ़ा देती है, चौपट करते हैं करियर उनका भी, अपना तो कर ही चुके हैं।
क्योंकि ये स्थिति है, जो लोग नौकरी नहीं है इसके लिए पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाएंगे आप ही जानते हैं, और जो पढ़ाने हैं मन के लिए पढ़ाते हैं वो टीचर अच्छे बनेंगे। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी कि फार्मेसी की हिस्ट्री क्या थी और क्या कैरियर था। ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ टॉपिक को ख़त्म किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के लेक्चर्स आपको सारे के सारे आपको एप्लीकेशन से ही मिलेंगे, अब मैं यूट्यूब पे यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो एप्लीकेशन में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।